अच्छा तू है एक चीज़ एक चीज़ हो गया मेरे साथ किसी का हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। मैं अभी चिजु जा रहा हूँ चिजु रिवर। तो मैं और मेरा दीदी और मेरा भैया जा रहा है। तो यही मेरा दीदी, तो अभी हम लोग जाने वाला है। तो मिलते हैं, मेरे साथ बनते रहना, मैं व्लॉग बनाते जाएगा, आप लोग को भी नज़ारा देखा देखा के जाएगा। मैं तो आज तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि रिवर अच्छा है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग रास्ते पे, तो मेरे साथ बांधते रहना। तो फ्रेंड्स, और मेरा भाई लोग और मेरा पहचान वाला यहाँ पे है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। मेरा भाई लोग और ये मेरा पापा, एक एक दोस्त पे बोलेगा इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहा है अपना मंजिल की तरफ, आगे बढ़ रहा है। तो ये मेरा भैया गन लेके जा रहा है, तो रास्ते में कुछ मिलेगा तो अपना बॉडी सेफ के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जाने के टाइम पे पूरा डाउन है सर, तो अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन आने के टाइम पे तो बहुत गन फटने वाला है मेरा, क्योंकि पूरा अप है इसलिए। तो देखते हैं आज का सफर। मैंने एक व्यू देखा है जो माउंटेन है, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कैसे देखता है, बहुत नज़ारा अच्छा है, आप लोग भी। फ्रेंड्स, वो जो एक घर देख रहे हैं ना, तो वहीं से आ रहे हैं हम लोग, बहुत पहाड़ी है ना। फ्रेंड्स, आज का लोकेशन है जो ये सामने जो एक खेत का घर है ना, और वो एक घर है ना, उसका बीच में है। तो हम लोग लोकेशन को थोड़ा पहुंचने में थोड़ा सामने हो गया है। थोड़ा लोकेशन, हम लोग का लोकेशन नज़दीक हो गया है। तो ये नदी देखा है ना, जो हम लोग देख रहे हैं, ये नदी देखा है ना, ये जो वही है, वही पे जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मैं चप्पल लगा के जा रहा हूँ, पानी का खेत है, तो बहुत मुश्किल का ये काम है। तो ये खेती में पानी लाने के लिए 2 या 3 किलोमीटर से पानी का नाला बना के लेके यहाँ पे ये लोकेशन पे लेके आके वो लोग पानी का खेती करते हैं। तो ये काम तो मेरा बस का बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और ये जो यहाँ पे तो पानी खेत करने में ना बहुत मुश्किल है। और फ्रेंड्स, अभी बहुत फूल देके रखा है, तो आप लोग को पता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन यह है पिच का, ये फूल दे रहे ना, तो ये पिच का है, मेरा फेवरेट पिच। लोग लोकेशन पे आने वाला है, तो फाइनली मेरा भंजा बोल रहा है कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, तो वो बोल रहा है कि नागामिस में व्लॉग बना बोल रहा है। तो मैं एक दिन एक व्लॉग तो नागामिस में बनाऊंगी,
तो मे भी वो सही बोल रहा है कि मेरा नागामिस अच्छा नहीं, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, वो सही बोल, मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं बोलेगा ना, तो यही बोल रहा है। इधर देख, ये बोल रहा है कि मेरा हिंदी अच्छा नहीं बोल रहा है, तो नागामिस में व्लॉग बना बोल रहा है, मेरा हिंदी सुन सुन के उसका खान पाट के बोल। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग अभी चिज़ रिवर में आ गया हूँ, और ये है लोकेशन मेरा आज का। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो है ना बेम्बू से बना के रखा है, तो ये इसका ट्रिक्स है कि ये फिशिंग का ट्रिक्स है, बहुत अच्छा है, दिमाग लगा के बना हुआ है। अभी ये ख़राब हो गया, लेकिन वहाँ से पानी बंद करके ऐसे या ये साइड में भी बंद करके यहाँ से लेके सीधा यहीं पे आता है, तो क्या कहते हैं ये लोग, यहीं पे ऐसे ऐसे ना बैम्बू से ऐसे बना के जो पानी आता है ना उस टाइम पे पानी इतना तक आ जाता है भर के, तो यहाँ पे मच्छी लेके आता है पानी, तो यहाँ पे रुकता है, तो यहाँ से पकड़ लेता है ये लोग। बाद में घुस के देखूँगा मैं कहते कितना गहरा है, तो वो एक नदी आ रहा है, वो छोटा नदी, वो भी और दूसरा गांव का साइड में आ रहा है, तो यही है, ये लोकेशन बहुत बेस्ट लोकेशन है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं भी यहाँ आके आज व्लॉग बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे खाना पका के खाने वाला है, तो अभी लकड़ी इकट्ठा कर लिया हम लोग ने, पानी भी उठा लिया है, चाय का चाय बनाने वाला है, इसका हालत देखने आप लोग भी। Oh my God! Wow! तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चाय पीने वाले हैं, ये है मैंने बनाया एक मैदा का, ये मेरा भाभी है, भैया का वाइफ, तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी जो दीदी लोग मच्छी पकड़ने वाला है, तो मैं पकड़ने के लिए नहीं आता है, तो वो लोग बहुत तरीका से आता है, आइडिया बहुत है वो लोग को, तो मैं बाद में वो लोग कैसे पकड़ते हैं मच्छी आप लोगों को दिखाता हूँ बाद में, तो मेरे साथ रहना और देखना कैसे पकड़ना है। तो फ्रेंड्स, अभी भैया मच्छी पकड़ने वाला है, जाल फेंक रहे हैं, नीट देखो कितना आएगा, बड़ा मच्छी का जाल में, बाबा 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 कुकर लगा मच्छी, ओए वो 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 भाई बोला कि दिन में ऐसे मच्छी, भैया बोला कि दिन में ऐसे मछली मिला, बोला किस्मत बहुत अच्छा है, तो ये मछली का बैंबू से बना हुआ मछली का, ये मछली पकड़ के आके डाल दी, तो अभी भैया ट्राई कर रहे हैं और नेक्स्ट, और देखते हैं और एक एक आया दिन में, ये मछली ना दिन में नहीं मिला, बोला तो मेरा किस्मत अच्छा है। भैया बोला कि एक मच्छा आ रहा बोल के, तो ये पत्थर लेके आए। तो फ्रेंड्स, देखना इतना मच्छी छोटा छोटा, देखना घूमने देख, बड़ा नहीं है अभी, जो बड़ा बड़ा मच्छी ना रात में निकलते हैं, दिन में नहीं निकलते। तो फ्रेंड्स, हम तीनों जा रहे अभी, तो दो लक्षण हो गया, ये भी तो नहीं मिला, ये भी तो एक ही नहीं मिला, तो अभी जा रहे हैं, दिखा दी हो, ये मेरा लकी है, लकी चरम, बहुत बढ़िया।
ये जो भैया अभी नीचे एक बड़ा पत्थर का होता है उसमें एक बड़ा नीचे में जो पत्थर का होल होता है तो होल ढूंढ रहा है, तो होल में होल रहेगा तो मच्छी अंदर रहता है उसका होल में, होल का अंदर में, तो भैया अभी वो ढूंढ रहे तो बस मैं कब से जाओ कितना मिल रहा है जाना मिल रहा है मच्छी देखता हूँ बड़ा बड़ा मछली पकड़ के रखा बोल रहे देखा देता हूँ वो ये दोनों भी आप बहुत बड़ा बड़ा मछली पकड़ के रखा है देखा तो वाओ एक क्रेप ही है क्रेप क्रेप दो पीस तीन पीस ऐसा करता है तो फ्रेंड्स ये जो पत्थर बड़ा बड़ा है ना वो बोल रहा है कि मछली बहुत घूम रहा है बोल रहे हैं तो ये जो बड़ा बड़ा पत्थर है उसको थोड़ा ऐसे हिला के जो नीत है ना उसका मछली का वो जो मछली अंदर घुस जाता है और भी मिल गया वाओ बहुत बढ़िया बड़ा पकड़ के रखा है दीदी ने मछली पकड़ने का टेक्निक ऐसे पकड़ता है हम लोग दीदी का ताकत इतना बहुत ज़्यादा है ना ताकत बहुत ज़्यादा है यार उसका वो जो जैसे पत्थर उठा उठा के ये भी कोई आसान की बात नहीं है हेल्प कर रहा हूँ मच्छी पकड़ने के लिए मच्छी पकड़ने के लिए हेल्प कर रहा हूँ तो फ्रेंड्स इतना मच्छी आ रही देख बाप रे बहुत बढ़िया बहुत बड़ा बड़ा मच्छी तो फ्रेंड्स ये छोटा सा वाटरफॉल छोटा नहीं है बड़ा है छोटी सी नदिया तो फ्रेंड्स मैं अभी फाइनली देखा देता हूँ कि कौन कितना कितना लेके आया है तो ये मेरा बहन ने लेके आया और ये मेरा दीदी का और ये जो है मेरा भैया का मच्छी बड़ा बड़ा है भैया का और ये नीचे पकड़ रहा है ये लोग बड़ा बड़ा मच्छी और ये है क्रेप दो लेके आया और ये क्रेप देख ये बड़ा क्रेप ये है सबसे बड़ा कौन सा एक ही जगह में खत्ता करने वाला है आज का तो है एक केजी हो गया मेरे साथ आज तो बहुत किस्मत अच्छा है मेरा सभी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ कि ये मेरे दीदी और भैया भाभी और मेरा बहन चारों ने आज ये पकड़ के रखा है तो ये मेरे तरफ से चारों को सभी थैंक्स कहना चाहता हूँ
देखो। ये है पोर्क और ये है मच्छी, दोनों मिला के सब्जी। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी खाना खाने के लिए रेडी कर रहे हैं। ये है मच्छी आज का। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी घर में जा रहा हूँ, तो ये प्लेस को अलविदा कहता हूँ मैं, क्योंकि अभी कब आएगा पता नहीं। तो ये बहुत अच्छा लोकेशन था, तो भैया ने यहाँ पे लेके आया, भैया को भी बहुत थैंक्स दे रहा हूँ मैं। और वो लोग आगे, और फ्रेंड्स मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बहुत किस्मत अच्छा था, मच्छी भी बहुत मिला, अच्छा से खा के जा रहा हूँ मैं, तो बहुत खुश है। और मैं यहाँ जाने वाला था पहले से, लेकिन कल रात मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं अकेला रह जाएगा ना, तो इसलिए मैं कैंसिल किया था। लेकिन भैया ने बोला कि तो बार बार नहीं आ सकता है, तो आज ही आ रहा है, तो हम लोग जाके खाना थोड़ा खाना पका के खा। तो हम लोग पहाड़ी पहाड़ी चढ़ने वाला है, तो सांस ख़त्म हो जाता है, तो बात करने के लिए भी अच्छा से नहीं हो रहा, तो मिलते हैं आगे में हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी रेस्ट ले रहे हैं, तो बहुत पहाड़ी है इसलिए सांस ख़त्म हो जा रहा है, तो हम लोग अभी खेत में रेस्ट कर रहे हैं यहीं पे। और ये है हाईवे जा रहा है, और ये शॉर्टकट यहीं पे और जाने वाले हम लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग गांव में आ गए, तो बहुत आज का दिन बहुत अच्छा था, और बहुत इंजॉय किया मैं मेरा भांजा के साथ, और मेरा दीदी या भैया, मेरा भाभी आया, मेरा बहन भी, तो वो लोग के साथ इंजॉय किया। तो हम लोग थक गए, तो फिर मिलती है नेक्स्ट व्लॉग।